मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंटर्नशिप से मिलने वाली मासिक देय राशि में वृद्धि करवाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से छात्रों ने निवेदन किया है कि छात्राएं प्रदेश में चिकित्सा सेवा के अंतर्गत MBA इंटर्न सेवा से परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें मासिक देय राशि ₹13,409 दी जाती है। यह राशि इनकी जिम्मेदारी और चिकित्सा सेवा में योगदान के अनुपात में अत्यंत अल्प है। वर्तमान में इन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे किराया, भोजन, परिवहन और अध्ययन सामग्री को पूरा करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वित्तीय दबाव के कारण इनकी कार्य क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है, जो अंततः इनके द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। छात्रों ने मध्य प्रदेश शासन को यह मामला संज्ञान में लेते के लिए आह्वान किया है एवं छात्रों के द्वारा बताया गया कि अन्य राज्यों ने अपने इंटर्न की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। असम में ₹36,220 प्रतिमाह, पश्चिम बंगाल में ₹32,000 प्रतिमाह एवं कर्नाटक में ₹30,000 प्रतिमाह, वही मेघालय में ₹30,000 प्रतिमाह दिया जाता है। इन राज्यों ने हाल ही में अपने इंटर्न की मासिक देय राशि में वृद्धि की है। इनसे इनके इंटर्न को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिल रही है बल्कि वे अपने कर्तव्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, जिसके स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इंटर्न के रूप में इनके द्वारा रोगियों की देखभाल, शल्य चिकित्सा में सहायता, चिकित्सीय प्रक्रियाओं का संचालन और अस्पताल की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई जाती है। बेहतर वित्तीय समर्थन से ये अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक कुशलता और ध्यानपूर्वक निभा सकते हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। उसी प्रकार छिंदवाड़ा में MBBS इंटर्न की छात्राओं को उन्होंने अपनी राशि बढ़ाने की मांग की है। राज्य के सारे मेडिकल कॉलेजेस में, तो सरकारी डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज यहाँ से निश्चित कॉलेज खड़े होता है। हमारी मुख्य मांग यही खड़े होता है कि वन स्टडी होना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो मासिक मानदेय सरकार द्वारा तय किया गया है ₹13,409 है, जो कि हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल असक्षम है। इसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति व हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे और हम काफ़ी परेशान हैं। इसकी वजह से हम अपने अस्पताल में उचित सेवा देने में दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत यह है कि हमें अपनी दैनिक ज़रूरतों, जैसे कि हमें खान पान, हमें अस्पताल जाना, साथ ही हमारे रहन का पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी मासिक मानदेय को ₹30,000 महीना किया जाए। वजह यह है कि जब हम 2018 बैच की बात करें तो वहाँ पर फीस थी लगभग ₹50,000, उनकी स्टाइपेंड थी ₹12,600। अगर वहीं बात करें हमारे 2019 बैच की MBBS इंटर्न्स की, हमारी जो फीस है एक साल की वो ₹1,00,000 है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें ₹13,409 बनती है। हम बात करें फीस तो डबल हुई है बट स्टाइपेंड में सिर्फ ₹600 की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम बात करें दूसरे राज्यों में, जैसे कि हमारे असम है, असम में ₹36,220, पश्चिम बंगाल में ₹32,000, साथ ही कर्नाटक में ₹30,000, यानी कि दूसरे राज्यों में इंटर्न्स का जो मासिक पगार है उसमें बढ़ोतरी साफ साफ देखी जा सकती है, पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ ₹600 बढ़ाई है, जो कि हमारे दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए असक्षम है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल को कंटिन्यू करते रहेंगे। दूसरे राज्यों में हमसे डबल है, परंतु हमारे यहाँ की फीस भी डबल है, इसके बावजूद भी हम लोगों का मासिक देय नहीं बढ़ाया जा रहा है। NBC न्यूज़ के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।